गाइस, डैना मिश्रा हियर, वेलकम बैक टू लाइफ टू लिव। देख रहे हो मेरी एनर्जी सुबह उठने के बाद। मैं ऐसी रहती हूँ जब मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, एकदम एनर्जेटिक, फ्रेश। और ये मेरा भाई फ़ोन में गेम खेलते हुए। बोलो अपना, बताओ अपने आप को, बताओ कौन हो तुम? माय नेम इज उमा मिश्रा, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। यस, हिज नेम इज उमंग मिश्रा एंड ही इज 8 ईयर्स ओल्ड। गाइस चलते हैं मम्मी की ओर, देखते हैं व्हाट इज शी डूइंग। मेरा भाई तो कौन सा गेम खेल रहा है? फ्री फायर रखा हुआ है। मॉमी, अब क्या कर रही है मेरे गाइस को बताइए ना। काली मॉमी सफाई कर रही है घर की। हम चल जाते हैं अंदर, ठीक है, वरना पड़ जाएगी काली। कौन है? कौन है? कौन है? तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। दाओ क्या हुआ? ओए ओए, ये देख तू वीडियो में है, ये देख देख तू वीडियो में आ रहा है, देख ले, देख लेना मुझे, देख लेना मेरे वीडियो में तो आ जा। रो रहा है क्या? ओए रो रहा है क्या? सुनना मम्मी को मत बताना। ओए सुनना, चोट लग गई है क्या? मम्मी को मत बताना। गाइस इधर बन रही है सब्जी, इधर है दूध, और उधर मेरी माँ कर रही है पूजा। ये कौन है? ये मेरे गाइस हैं। सब्जी एक बार चल गई। धुआं धुआं हो गया भाई। एक खतरनाक मंत्र पढ़ रही हूँ, चलते बनो। रोटी बनाने का समय आ चुका है। मम्मी रोटी बनाना है अभी ना, तुरंत। कितना? ओके, अब आ गया है वो समय, वो घड़ी, जब मुझे बनानी पड़ेगी रोटी। मैं थोड़ा सा धुलती हूँ हाथ। मेरे घर में बजा शंख। की बजाया मेरी मम्मी ने। तू ही पसंद करेगी, ये करेगी घर में, आपको बोलेगी ना घर में कचर होता है, मत करना। शांति से रहा, मैं इस पे बैठ जाऊं? बैठ ये आ। कैसे बैठा है तू? तू बैठा कैसे है? मैं नाइट सूट में ही अपने घर से निकल गई हूँ और मैं घुस रही हूँ पिया के घर एज यूजुअल। कौन कौन आया है यार? बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यार, मैं कैमरा बंद करती हूँ। पंडित जी आए हैं, तभी मैं सोचूं कि देखो। हाँ, आप दूर रहती हैं तभी पता चल जाता है क्या पा रही है। मेरा मेरा आपको पढ़ लिया, आपकी आवाज आ जाती है। गजब बेइज्जती है। ये क्यों पकड़ाई है? भीख मांगने के लिए?
पैसे दे दो, पैसे दे दो, लाइक दे दो, सब्सक्राइब दे दो, हटो हटो। आंटी क्या बना रही हैं? आंटी पकौड़ी बना रही है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। ओके, और ये कल के भंडारा का सब्जी वगैरह बचा हुआ है, अभी इसको बांटना है लोगों में। कल इतना सारा बटाना, सुबह 2 बजे से शुरू के रात तक भंडारा चला, इतना ज़्यादा लोग खिलाए फिर भी बच गया। ये तो रहा, हाय गाइस, चीनी खा लो, चीनी खा लो मेरी तरह। हेलो गाइस, पकौड़ी खा लो, पकौड़ी और चीनी साथ में खा लो, डेडली कॉम्बो। मैं दिखाती हूँ पकौड़ी और चीनी कैसे खाते हैं। पकौड़ी वैसे पकड़िए, सूप में चीनी लगाइए ऐसे, और ऐसे चीनी लगाइए, और ये रहा पकौड़ी और चीनी, और यह खा लो। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी नहीं नहीं चल रहा है। मैं फिर से पिया के घर से अपने घर आ चुकी हूँ, और मम्मी पहले ही आ चुकी थी, और मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी दो ढाई बजे तक आएंगे लोग, पकौड़ी सकौड़ी का तैयारी कर दो। कौन आएंगे? गुरु जी लोग, नाश्ता खा लिया कर लो। वो तो शाम को आने वाले थे ना। आने वाले नहीं है, नहीं देख रहे वो फीस में गए हैं लोग ना, खाना कहीं खाने जाएंगे नहीं, कभी खाना वो लोग लगभग खा चुके हैं, खाना नहीं खाएंगे। ना नाश्ते का हल्का सा कर दीजिएगा गाइस। एक्चुअली आज शास्त्री जी आने वाले थे, आज वो लोग जाने वाले हैं यहाँ से, तो आज एक बार हमारे घर हमसे मिलने आने वाले थे और चाय पानी पे आने वाले थे, तो मम्मी की सोचती थी क्या बनाए क्या बनाए, यूट्यूब पे निकालो जल्दी से। खैर वो तो 2 बजे की बात है, अभी अभी उन लोग आए नहीं, उन लोग आएंगे 5:30-6 बजे तक आराम से, उन लोग अभी मार्केट गए हुए हैं। तो अभी ये देखो मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, ये जो बिखरे हुए थे सारे, भाई 7 दिन क्या हड़कंप मचा है मेरे घर पे, एकदम बवाल मच गया है, तो पूरा उथल पुथल हो गया, लग रहा है कोई तूफान उफान आया था, इसलिए सब बेकार के चला गया, ये तो अपने आप ही ख़राब हुआ। तो अभी मैं बैठ के कपड़े मोड़ रही हूँ, मेहनत का काम कर रही हूँ, मैं नहा चुकी हूँ और मैं पहनी हूँ कुर्ती, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है, और भी मेरा इंद्र बाहर निकल चुका है। तेरा फेवरेट चावल है भुजिया, बोली मम्मी खाऊंगी बन, तो इतना अच्छा चावल दाल गरम गरम एकदम चावल बनाई, भुजिया भी गरम बनाई तू पूरा काट के, एक बूंद भुजिया नहीं बचा, पापा भुजिया ही चावल खाए थे। नहीं इडली खा लिया, मेरा पेट भर गया। हाँ तो भर गया था खाना रात में। गाइस मुझे थोड़ा सा छोटू सा डांट पड़ते हुए, और अभी शास्त्री जी लोग जा चुके हैं, ये पूरा रूम अब खाली हो चुका है, और अब मैं सो जाती हूँ कि अब मुझे कोई काम धंधा नहीं है। मम्मी फिर चली गई, और फिर उन लोगों के जाने के लिए टिफिन बनाना है। हाँ बहुत काम है यार, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा यार, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी मुझे फिर से छोड़ के चली गई, फिर से छोड़ के चली गई। जब से मैं आई हूँ तब से मेरी माँ मुझे एक दिन भी टाइम नहीं दिया, एक दिन भी नहीं। जब से मैं आई हूँ तब से भागवत शुरू है, कल भंडारा होकर भागवत ख़त्म हो गया, और आशाशी जी लोग जा रहे हैं, तो आज उनके लिए खाना पीना बन रहा है, मम्मी उसमें बिजी हैं। क्या करूँ मैं, वापस चली जाऊँ क्या दिल्ली? ये कह रही हूँ मेरा टिकट करा लिया, मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, इज्जत ही नहीं कर रहा है मेरी कोई, जब से आया हूँ। आज जाके मेरे लिए दोपहर में खाना बना, और वो भी नहीं, मैंने खाया क्योंकि मेरा पेट ही भर गया था। अब मैं ये फूल के साथ खेलता हूँ, ये फूल टंगा हुआ है इसके साथ मैं खेल रहा हूँ, और अभी फिर मैं सो जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं है यहाँ पे। बाय गाइस, मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारा काम करना है घर में,
तब मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो बाय बाय, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, खूब सारा शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये पीछे से गाय की आवाज़ आते हुए वो भी मेरे हाँ में हाँ मिला रही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय 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 बाय।